हेलो आई वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय नेवी का जो सबमरीन का प्रोजेक्ट था 75i, जिसके तहत वो 6 नई स्कॉर्पियन क्लास AIP वाली सबमरीन बनाने वाला था, तो उसमें से रशिया ने अब फाइनली पुल आउट कर दिया है। उसने मना कर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर ये सबमरीन नहीं बनाएगा, वो भारत के साथ ये नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी जो भारत की जो टर्म एंड कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो आज हम यही जानेंगे कि रशिया ने आखिर क्यों पुल आउट किया है, उसके क्या रीज़न थे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट 75i क्या है। तो करीबन बात है हम जब आज़ाद हुए थे तब से ही, कि जब 1971 का युद्ध छिड़ गया तो उसमें से पाकिस्तान के पास तो अमेरिका की मिली हुई बहुत सारी एडवांस पनडुब्बियाँ थी, तो भारत के पास कोई ज़्यादा एडवांस पनडुब्बी नहीं थी। तो उस समय भारत ने, उस समय के USSR था, उससे एक पनडुब्बी ली थी जिसका नाम था INS कलवरी, जो भारत की पहली पनडुब्बी थी। तो उस समय तो सिर्फ भारत को पाकिस्तान से ही थ्रेट था, और अब तो हमारा पड़ोसी मुल्क चीन भी अब भारत की नाक में टांग अड़ा रहा है कि वो हिंद महासागर में कभी कभार आ जाता है, घुसपैठ करता है। तो भारत को अपने सर्वलांस के लिए और ज़्यादा पनडुब्बी चाहिए थी, क्योंकि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से अभी तक भारत के पास सिर्फ 15 सबमरीन है, जबकि चीन के पास 79 सबमरीन है। तो हमको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क इतने ज़्यादा सबमरीन रख रहा है तो हमें भी रखनी चाहिए। तो जब मोदी सरकार आई 2014 में, तो उसने लक्ष्य रखा कि हम करीबन 15 से 20 साल में 24 से 25 सबमरीन बनाएंगे, जिसके तहत उन्होंने पहला कदम रखा कि प्रोजेक्ट 75 के तहत हम 6 डीजल इलेक्ट्रिक बनाएंगे सबमरीन। तो ये प्रोजेक्ट 2014-15 से शुरू हुआ, तो 2017 तक तो एक सबमरीन कमीशन भी हो गई, INS कलवरी, जो हमारी पहली थी उसके नाम पर ही इसका भी नाम रखा था INS कलवरी। इसके तहत 6 सबमरीन बनाई जानी थी, वो थी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वजीर और INS वागा, जिसमें से 4 तो कमीशन हो चुकी है और आखिरी 2 कंस्ट्रक्शन या सी ट्रायल में चल रही है अभी। और ये प्रोजेक्ट मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में बनाई जा रही है फ्रांस के सहयोग से। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम दूसरा AIP एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम वाली सबमरीन बनाए, जो कि ऐसी होती है जो सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक होती है, उनको ऑक्सीजन के लिए जो वो समंदर के सतह पर आना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक अंदर नहीं रह सकती, और जो परमाणु शक्ति वाली होती है वो अपना ऑक्सीजन नीचे ही बना सकती है, तो वो कई दिन तक नीचे रह सकती है। तो भारत की दिक्कत ये थी कि भारत के पास जो सबमरीन है वो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी, वो डीजल इलेक्ट्रिक थी। तो भारत को ऐसी सबमरीन चाहिए थी जो अपना ऑक्सीजन खुद ही बना सके नीचे। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी आती AIP सिस्टम, जो कि अपना ऑक्सीजन नीचे ही बना सकती है पानी के भीतर। तो भारत को ये सिस्टम वाली सबमरीन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट 75i, जिसके तहत भारत में 6 सबमरीन और बनाई जाएगी जिसके अंदर ये सिस्टम होगा। और इस प्रोजेक्ट की लागत करीबन 43,000 करोड़ है भारतीय रुपये में। तो जब ये प्रोजेक्ट रखा तो भारत सरकार ने इसमें टर्म एंड कंडीशन भी रखी कि जो भी बनाई जाएगी सबमरीन वो पूरी तरह से भारत में ही बनाई जाएगी, इसमें सारा का सारा कंस्ट्रक्शन भारत में ही किया जाएगा। और ये कंडीशन थी कि वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो उनमें बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया, पर बाद में सबसे पहले न्यूज़ आई कि नेवल ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर दिया है, क्योंकि उसको ये टर्म एंड कंडीशन बहुत भारी पड़ रही है, उसको कुछ लिबरेशन चाहिए इसमें कि थोड़ा राहत दें। फिर कुछ दिन बाद फिर से रिपोर्ट आई कि रशिया ने भी इससे पुल आउट कर दिया है, कि रशिया भी नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी किसी को दे वो। तो सिंपली रशिया ने भी अपने कुछ एक्सक्यूज देकर वो उसने पुल आउट कर दिया। पर बाद में फिर भारत ने फिर से रिक्वेस्ट की होगी शायद रशियन गवर्नमेंट को, तो रशिया ने फिर अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट दी है कि हम भारत के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते, उस भारत के साथ सबमरीन नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि उसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत भारी है और अनरियलिस्टिक है। अगर हमको इसमें कुछ छूट छाट मिलेगी तो हम भारत के साथ बिल्ड कर सकते हैं। और भारत सरकार भी ये देखना चाहिए कि उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा ढीला करें, क्योंकि हमारे भारत के पास सबमरीन बहुत कम है।
वैसे भी हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार को इसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। भारत को इस क्षेत्र में भी सेल्फ रिलायबल होना चाहिए। जैसे कि भारत ने अपना पहला विमानवाहक पोत भारत ने खुद निर्मित किया है, INS विक्रांत। जैसे उसी तरह ही भारत को ये भी टेक्नोलॉजी हासिल करनी चाहिए कि वो अपनी अपनी प्रोजेक्ट अपनी सबमरीन को खुद बना सकें। और अगर हम भारतीय नेवी के पास अभी फ़िलहाल कितनी ऑपरेशनल सबमरीन है इसकी बात करें, तो भारत के पास 15 कन्वेंशनल यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और एक ही परमाणु संपन्न सबमरीन है जो कि भारत ने खुद बनाई है, INS अरिहंत। भारत इस क्लास के अंदर भी 3 से 4 सबमरीन बना रहा है जो कि परमाणु संपन्न हो। वैसे आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर बिना सपोर्ट के आगे नहीं।